अपने आंसू छुपा नहीं सकते, बिल जमा हम करा नहीं सकते, आमदन आपकी हो हम जितनी, आप रोटी भी खा नहीं सकते। मुश्किल से है गाड़ी चल रही, फिर भी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ख्याल है आपके? हम ख्याल हैं आपके। अच्छा। माशाल्लाह इतने सुनियारे दी दुकान दे मुंशी लग रहे हैं। प्यारे आदमी ने, बड़े प्यारे। वासे भाई दी छोटी जी गल तो मंगनी टूट गई। क्यों? अपनी मंगेतर हाथ फड़ के कहंदे सोना ना चांदी ना कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा, उन्हें मंगनी तोड़ दी। चिट्टा जवाब। बड़े समझदार और पढ़े लिखे हैं। अच्छा जी। हाँ, इनकी मंगेतर ने कहा मुझे कोई सोने की चीज गिफ्ट करें। अच्छा। मंजी बिस्तर लाते कहते इससे अच्छी क्या। वासे भाई ने सोने की अंगूठी बनाई तो कोई भी नहीं वेख रहा रिश्तेदारा चो, तो अपने घर नू अग लाती, तो उत्थे भी सिर्फ अंगूठी का दस रहे हैं। कहते की होया? कहते सब कुछ जल गया, सिर्फ अंगूठी रह गई। आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर बने हैं अभी हाल ही इलेक्शन के अंदर, डॉक्टर अफनानुल्ला खान। दूसरी मेहमान जो कि बन रही हैं डॉक्टर लेकिन कर रही हैं मॉडलिंग, मोहतरमा फातिमा फैसल। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों ही मेहमान बड़े यंग और खूबसूरत हैं सर। शेर भी ऐसे ही है सर जी। आज आए हैं मशाहिद खान के लख्त जिगर, मुझको सच्चे दिल से ठाकुर, इनसे है एक उनसियत। इनके पहलू में ये मॉडल देखकर कैसर पिया, याद आया अपना बचपन और अपनी हैसियत। वक्खो वक्ख मंजियां जुले हो गए ने, वक्खो वक्ख मंजियां जुले हो गए ने, जिन्ने भाई सा उन्ने ही चुले हो गए ने, होर ते कुछ नहीं होया तेरे रुसन नाल, मैनू मेरे कपड़े खुले हो गए ने। वो एक दिन मिलेगी सदियों की आस है, हाय हाय हाय, वो मुझसे दूर हो रही थी मैं समझा मेरे पास, है। हर लड़की मुझे रिजेक्ट करती है मैं तो इसलिए परेशान हूँ, मगर मेरे साथ बैठा अकरम क्यों उदास, उदास है। वाह कैसा किया, बड़ी मेहरबानी, वजह तो नहीं पता। अच्छा जी, मान साहब क्या नाम आपके? अल्लाह का करम है जी, ठीक ठाक है सर। पहले तो मुबारक हो आपको नई नई सेनेटरशिप। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी देखा हुआ है। और क्या ख्याल है? बहुत अच्छा आपका शो होता है, मुझे कहते हैं काफी आप लोग जो ये आपको पसंद है, ये भी पसंद है, आप भी बहुत पसंद है। मैं तो गाना भी नहीं गाता। ये गाना अच्छा गाते हैं आप, होस्ट अच्छा करते हैं। अच्छा। सारा सी पीटीआई दे बंदे नहीं, 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 आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों के बगैर तो मजा नहीं आ सकता। ये होस्ट अच्छा करते हैं, मैं रोस्ट अच्छा करता हूँ। और आपने शो देखा तो हुआ ही है, तो आपने किसी को बताया आने से पहले कि मैं जा रहा हूँ? मैंने हाँ जी चंद लोगों को बताया था। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अच्छा है जाओ देखो। अच्छा। देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। और अफनान अभी आपका सियासी कैरियर शुरू हुआ है? नहीं मेरा सियासी कैरियर बहुत पहले शुरू हो गया, लोगों को अब पता चला। लोगों को अब पता चला, मंजर के ऊपर आप आए हैं इस तरह सामने। मैं इलेक्शन लड़ा 2018 का जी कराची से, फिर जो है उससे पहले मैं PMLN की पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी काम किया मैंने। मेरी एक बुक है पाकिस्तान द वे फॉरवर्ड, वो मैंने 2010 में काम करना शुरू किया था PMLN की पॉलिसी मेकिंग पे। तो वो शुरू में सिर्फ पॉलिसी वर्क था, फिर बाद में जो है वो मैंने कहा कि काफ़ी काम इकट्ठा हो गया तो उसको किताब की शक्ल देनी चाहिए, तो फिर उसको किताब की शक्ल दी। और माशाल्लाह आप सेनेटर हैं तो सेनेटरी का सारा काम आता है आपको? सेनेटरी का नहीं, सेनेटर और होता है यार। मैं भी टूटियां शूटियां खराब हुई है, मैं फरान भाई नू कहता तो ये मैंने कितनी दफा क्लियर किया ये बात, क्या ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सेनेटरशिप वाले सेनेटर
अच्छा इलेक्शन हुआ वो तुम ये ना करना, वो डॉक्टर भी है, प्लीज आप अपनी डॉक्टरेट भी क्लियर कर दे इससे पहले कि आपसे दवाई मांग ले। हां मैं पीएचडी वाला डॉक्टर हूं, आईटी मेरी फील्ड है। सर सेनेटर होना नसीब वाली गल, 8 करोड़ रुपया मिल रहा लड़की पे शेयर करते हैं, बाद में जो सात गेस्ट आए होते हैं उनको बोल देते हैं। अच्छा तो ये आपको अच्छा लगता है, तो चलो ये तो हमने कर दिया, फिर खत्म करें और कुछ आगे भी देखा। वो एक लास्ट पे सेशन होता है आपका, वो बड़ा मजे का होता है, बोट में जा रही है। आज ही खत्म किया हमने वो। हमारे आगाज और इख्तिताम के अलावा भी आप बीच में देखती है कुछ? वो देखती नहीं, आपको बुलाया इसलिए। आप घबरा क्यों रही हंसते हुए? नहीं आप खुल के हंसी है, आपको सबसे हंसी किस बात पे आ रही है बताएं? वैसे ही क्या कि आप पहुंच गई इस बात पे, इन अंकल्स में से किसकी शक्ल देख सबसे हंसी आती है? ए मिस्टर दा हुसन कभी नहीं देखा है ना, तीनों में से किसके मुंह को देख के ज्यादा हंसी आती है? आपके मुंह। ये सबसे फनी अंकल है। हाँ जी हाँ। क्यों? इनके शो बहुत देखे हुए हैं। इनके शो कौन से वाले? वो बचपन में ही, जो बचपन में ही शो करते थे। नहीं, वो कोई इफ्तिखार ठाकुर टाइप थे ना, वो हंसी वाले थे थोड़े। इफ्तिखार ठाकुर टाइप जब ये शो करते थे तो ये आप हमारे यहाँ इफ्तिखार ठाकुर वाले शो क्यों नहीं करते? वो सर मौका नहीं मिलता ना, उसके लिए होस्ट अच्छा चाहिए। अब वहाँ पे इफ्तिखार ठाकुर वाले करते थे, यहाँ पे ये कौन से वाले कर रहे हैं? यहाँ पे थोड़े डिसेंट शरीफ लग रहे हैं। अच्छा इफ्तिखार ठाकुर जो थे वो चीप वाला था। सर वैसे आप भी कोई इस काम के अलावा, अभी तो आपका बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हुआ, अभी तो आप गुथम गुथा होंगे पीटीआई वालों के साथ, मगर उससे पहले कोई आप भी कोई फरूल लतीफा से रखते हैं आशनाई? दादा मैंने इकबाल को पढ़ा है जबरदस्त, और कुछ हबीब जालिब को। अरे हबीब जालिब साहब तो आप नून लीग के साथ वो साइन करने पे कोर्स में आते हैं। जालिब जिसने पाकिस्तान में सियासत करनी है उसको जालिब का, तो फिर नहीं नहीं जिसने नून लीग में सियासत करनी है उसको भी जालिब का। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता बिल्कुल। अरे सेनेटर भी फैज साहब का शेर, बात तो किरदार की होती है फराज, फैज साहब का शेर तो फराज कह रहे शिबली फराज साहब से माजरा चाहता हूँ, आपके पास नंबर है सर, आप खुद ही हैंडल कर लीजिएगा। सर उन्होंने पंजाबी समझ नहीं होनी, अजकल साइंस के आले दुआले हुए। आपकी पॉलिटिशियन से कभी मुलाकात हुई? नहीं हुई, पहली दफा आप मिल रही हैं। बस सुना है कि पॉलिटिशियन जो होते हैं इनके पास बड़ी पावर होती है, बच के रहना चाहिए, डरना चाहिए बस। अच्छा आपको लग रहा है कि इनके पास पावर है? पावर वाला तो ये देखे, आपको लग रहा है पावर है उनके पास? इन्होंने लागे तो पुलिस वाला नंगे थे, उन्होंने कह रहे थे भाई मैं नवा नवा हाँ जी और आपने क्या कहा, और आपको क्या लगता है पॉलिटिशियंस के पावर होती है और क्या? और लाइक कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं ये। आप देखिए आपको लग रहा है कि फ्रांस भी कुछ कर सकते हैं? उन्होंने तो डॉक्टरेट भी पीएचडी वाली की है उन्होंने। आप मुझे बताइए लग रहा है आपके परसेप्शन के मुताबिक कहीं भी नहीं पूरा बैठ रहे ना, तो ये क्या हुआ सियासतदानों को? शायद नून लीग के जो है वो डाउन डेज आ रहे हैं इसलिए। नून लीग के डाउन डेज आ रहे हैं इसलिए? हम डाउन टू अर्थ भी हैं वैसे, नून लीग डाउन टू अर्थ भी हैं। होने हो जाए 2.5 साल तो सर। वैसे अफरान मुझे बताएं कि योर लेट फादर जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब वाज आल्सो इन पॉलिटिक्स, क्या उस वक्त भी आपको था कि ये मुझे पॉलिटिक्स में इवेंचुअली जाना पड़ेगा? बिकॉज योर अदर करियर इज कम्प्लीटली सॉर्ट ऑफ डिफरेंट, यू नो एक और पर्सुएजन होती है, इतनी पढ़ाई करनी और देन पीएचडी और राइटिंग बुक्स, ये एक और टाइप की चीज़ है। चाहे आप पॉलिसी पे लिख रहे हैं मगर उसके लिए एक और जहन इस्तेमाल करना पड़ता है इंसान को, और फिर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज बिल्कुल और बॉल गेम है। हाँ जी, असल में मेरा ये था कि मैं चाहता था कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ अपने मुल्क के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ, तो मैंने इसलिए अपने वाले साहब को आज से कोई 10-12 साल पहले कहा था कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मतलब जिस तरह मैंने पॉलिटिक्स की है उस तरह करना बहुत मुश्किल है, तुम अपने पहला कैरियर वगैरह के ऊपर फोकस करो। तो चलते रहते हैं साथ साथ, लेकिन मेन जो है उसमें अभी तुम अभी नहीं आ सकते, रुक जाओ।
तो बस वो फिर मैं साथ साथ करता रहा, पॉलिसी मेकिंग पे काम करता रहा, फिर जो इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह थी अबू की वो मैनेज करता रहा, फिर मैंने खुद इलेक्शन लड़ा, बस फिर इसी तरह ही चलता रहा सिलसिला। कोई काम वगैरह पार्टीज के जो होते थे वो मैं करता रहा, फिर अभी जो है फिर ये अपॉर्चुनिटी आई तो फिर मैं सेनेटर बन गया। सर तुसी सेनेटर रह गए जे ते टूटी नू तागा बांधे एक हत्थों बांधे जो लीग अच्छा अच्छा सॉरी तुसते मैं दस्या हैगा सी खुदा के लिए यार। वैसे आपको पता है सेनेटर क्या होता है, क्या आपके ख्याल में क्या होते हो? वही जो वो बता रहे हैं वो दूसरी है। हाँ लेकिन नहीं मुझे पता है, लेकिन मुझे पता नहीं है इससे रिलेटेड के क्या है मतलब। जैसे क्या आपके ख्याल में क्या होते होंगे सेनेटर्स? कोई कंप्यूटर? क्या हफीज सेंटर में दुकान है? उन्होंने डॉक्टरेट आईटी में की हुई है अपनी, मगर सेनेटर क्या होता है? सेनेटर तो अभी बने हैं, कोई आइडिया नहीं नेशनल असेंबली का, ठीक है। और आप डॉक्टरेट कर रही हैं न्यूट्रिशन और डाइट के अंदर, तो ये डाइटिशियन ही आपने क्यों स्पेसिफिकली चूज किया? क्योंकि पाकिस्तान में ना अभी इसका आ रहा है, थोड़ा स्कोप आ रहा है, अभी इतना नहीं है क्योंकि लोगों को भी इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है इस फील्ड से रिलेटेड। किसी को कहते हैं डॉक्टर है तो वो यही समझते हैं MBBS है, ठीक है, उनके माइंड में और कोई डॉक्टर नहीं आता। तो ये फील्ड्स आ रही हैं कि ये न्यूट्रिशन है, ये फिजियोथेरेपिस्ट है, ये डेंटिस्ट है, तो इस तरह ये फील्ड। तो डाइट्स में क्या करना चाहिए? जैसे हमारी सेहत ज्यादा है तो पतला होने के लिए जरा थोड़ा सा बता। पतला होने के लिए कम खाना चाहिए, बाहर कौन सा सियासतदान है, हम तो कम ही खाते हैं वैसे भी। और बताइए क्या करना चाहिए? कम खाना चाहिए जो है वो आपको, सैचुरेटेड फैट्स जो है वो नहीं लेने चाहिए, फैट्स कम लेने चाहिए। फैट्स हमारे मोहल्ले में बहुत होती है, लड़के छोटे छोटे आपस में फैट्स इनका काम लाहौर में तो काफी चलेगा क्योंकि वो लाहौर का एक जोक है ना वो आपको। कौन सा वाला? जी किधर से आ रहे हो? रोटी खा के। अच्छा कितने जा रहे हो? मजे की बात है, वो जोक चेंज हो गया जब से मियां साहब लंदन गए। आपने सही कहा कि लाहौर बहुत चलेगा, लेकिन अब हम क्या करें? हम पहले कहते थे किधर से आ रहे हो, हम कहते थे हम रायगढ़ से खाना खाकर आ। वैसे आपकी मुलाकात हुई है? हाँ, मेरी सितंबर में हुई थी आखिरी दफा, सितंबर ये जो भी 2020 वाला कोविड का ही। तो आप लंदन गया था तो उधर हुई थी। अच्छा तो आप यू आर वन ऑफ द लकी वंस जिनसे मिल लिए थे। आई थिंक ये वही टाइम है जब मुशाहिदुल्लाह साहब की भी आई थी फुटेज जब वो भी गए थे लंदन उस टाइम पे। नहीं अब्बू लंदन नहीं गए थे, अब्बू जान ने ट्रैवल नहीं किया कोविड के दरमियान। अच्छा उस वक्त नहीं किया था उन्होंने? मैं ही गया था। आप गए थे तो आपसे मिल लिए? कई बार हमारे यहाँ बहुत से मेहमान आते हैं जो गए भी लंदन, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। नहीं मेरी तो दो दफा हुई थी, काफी लंबी चली थी। अच्छा काफी लंबी। मैं असल में मियां साहब के साथ 2010 से काम कर रहा हूँ, वो पॉलिसी मेकिंग का काम था वो मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ही कर रहा था 2010 से। बल्कि इमरान भाई ते इतनी लंबी मुलाकात होगी मियां साहब ने आके के कहता हूँ तुसी जाना के इतों मैं जाना। मशहूर होना चाहता हूँ मैं, बनके बादशाह सरकारी अफसर ड्यूटी पर ही सोना चाहता हूँ, है पेशे पर मेरी डिग्री मगर मैं वो करता हूँ के जो ना चाहता हूँ, मेरी मर्जी। हाँ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। फातिमा ये बताएं, इमरान खान साहब को वोट डाला आपकी फैमिली ने, है ना, आई एम अज्यूमिंग कि डाला होगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए? वो किसी ने बना दिया था। चलिए एक मंजर खींचते हैं आपकी क्लैरिटी के लिए, मंजर खींचते हैं। आपके घर वाले गए और आपको पता है कि वोट कैसे डलता है? हाँ जी वो थंब लगता है, थंब लगता है और वो एक डब्बे के अंदर वोट डल जाता है, ठीक है जी। बहुत सी आवाम का ये कहना है हमने नून लीग को वोट डाले और नून लीग के ज्यादा वोट थे। अच्छा। जी इमरान खान गया। ये कैसे हुआ? वही तो, ये कैसे हुआ? आप उनसे पूछे, साथ आपके बैठे हुए, वो आपको बताएंगे कैसे हुआ। सर ये आपको लगता है ऐसे हुआ? हुआ कुछ इसी तरह था। फातिमा आप डॉक्टरी कर रही हैं तो शादी भी किसी डॉक्टर से करेंगे फिर? नहीं। किसे करेंगे फिर? लड़के से। डॉक्टर भी लड़के ही होते हैं? नहीं डॉक्टर नहीं, लड़के बिजनेसमैन होने चाहिए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपको अपनी फील्ड से नहीं होना चाहिए फिर कंपटीशन आ जाता है। कंपटीशन आ जाता है तो नहीं, आप तो न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आप कोई कार्डियोलॉजिस्ट ढूंढ लीजिएगा, वो तो कंपटीशन नहीं है। नहीं डॉक्टर बस होना ही नहीं चाहिए, डॉक्टर भी और शोबिज़ भी नहीं। हाँ अच्छा शोबिज़ भी, मॉडलिंग के अंदर भी आप सोचती हैं कि नहीं? मेरा कजन हैगा उधर, सात का बाद छह तंदूर है, उधर रिश्ता लाइए तड़े में ऐसी सोनी रोटी लौंदा जिंदगी से कोई ला ही नहीं सकता। एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेस भी है उनका अपना, 1,11,000 रोटी रोज बिकदी होती। आपके क्या प्रेफर्ड प्रोफेशंस हैं जो कि आप सीख कर रही हैं? लड़के से रिलेटेड तो यही है, खैर अरेंज मैरिज तो भी ढूंढा ही नहीं कोई, तो फिर वो पेरेंट्स ही ढूंढेंगे। लेकिन थोड़ा आप कीन है कि डॉक्टर नहीं होना चाहिए? हाँ डॉक्टर नहीं होना चाहिए, एक लड़का होना चाहिए, ठीक है। और ये है कि वो अच्छा वेल सेटल्ड हो और
जो है वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे और बस बिजनेस मैन होना चाहिए। बिजनेस मगर बिजनेस क्या होना चाहिए? मतलब उसकी एक अपनी कंपनी हो। किस चीज की कंपनी? किसी भी लाइक उसका अपना बिजनेस हो, जॉब ना करता हो कहीं और अपना बिजनेस हो। तो ये जो बता रहे हैं ये भी एक बिजनेस है अपना, उनका रजिस्टर्ड कंपनी है, अपने तंदूर कंपनी है। हां रोटियों की तो रजिस्टर्ड नहीं होती। आपको किसने कहा? बड़ी गर्म कंपनी है तंदूर कंपनी, वो चल रही है। आपकी सर नजर में कोई है, कोई आपके सर्कल के अंदर ऐसे कोई हो? हाँ इस तरह के लड़के तो नहीं, वो खैर आपके जो सर्कल में ऐसे लड़के हैं जिनके अबू ये करते हैं वो तो सारे लड़के शादीशुदा भी हैं और फिर जाहिर है वो बाहर भी हैं, बाहर भी हैं कुछ और कुछ जेलों में भी होंगे। जेलों में Good, how are you? You know, I have a great opportunity for make some million rupees in 15 days. Itni English ikatthi? Yes. Oh my God. You know, couple of days ago, I was in Hyderabad. Oh, oh. There was a big festival. Okay. Othe main apni performance diti. Aha. Inne log happy hoye ne. Aha. Mainu unhone kiya, if you like to, ethe hi rahe. Oh, oh. But main kaha, nahi, Lahore mera markaz hai ga, mere yaar dost othe ne. बैंगल इंडस्ट्री बड़ी तुरक्की कर रही है, चूड़ियां दियां फैक्ट्रियां लगियां ने। अच्छा। एक बंदे नाल मैं मशूरा कीता है। मशूरा। उन्हें क्या अगे छोटी जरी ईद आ रही है। हाँ। ओठे चूड़ियां दा काम हुंदा है कौन मेहंदी लोकी खरीदे ने, ठीक है, बट एसओपी दी वजह तो कारोबार चूबा हो पे। मैं क्या वेबसाइट बना के ओठे असि उन्हें पब्लिश कर देंगे ते अपने फोन नंबर दे जाएंगे, एड्रेस दे जाएंगे, ते डिलीवरी आप करेंगे। ठीक है। उन्हें कहा दिस इज अ गुड थिंग, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। बट मैं क्या मेरे को पैसे नहीं है, इतना माल मैं कितों चुका। उन्हें कहा नहीं माल दा नो प्रॉब्लम, तुसी सिर्फ गारंटी देनी है किसी बंदे की शख्सी जुमानत। अच्छा। तो असी माल भेजेंगे, तुसी वीहां पंजीहां दिनों के बाद आपने जो बच जाए वो भी वापस करना है और पैसे देने। ठीक है। ले आया माल मैं। अच्छा। मैं अपने स्टोर दे विच बड़ा बेहतरीन सजाया, वेबसाइट भी मैं बना ली है। क्या बात है। और लोकां दे ते मैसेज आने शुरू भी हो गए ने, बट डिलीवरी जरी है वो मुश्किल हैगी बिकॉज उसके वास्ते एक बाइक चाहिए। अच्छा। सो आई वेंट टू जा पुराना जिसे समान नहीं मिलता, एक बंदे ने क्या मोटरसाइकिल मेरे को है 12,000 रुपए दी, ते तू 12,000 रुपए दे के ले जा, जदों तेरी जरूरत खत्म हो जावे वापस करी जिन्ने दी होएगी तोल के ले लांगे। गिनीज बुक च इहदा नाम आ रहा, तुहानू पता क्यों? क्योंकि इस तो ज्यादा मंगन का तरीका किसी को नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बड़ी बड़ी शख्सियात पर ही है इस मुल्क में। बच्चे तुसी 12,000 दोगे तो मेरी जिंदगी बुझल जाएगी। अच्छा, हमारे में से किसी के पास नहीं? नहीं ऐसा ना करया करो, मैं तो अजय की उम्मीद ला के आना। यू कैन ट्राई फ्रॉम अ गेस्ट, वी गॉट अ सिटिंग सेंटर ओवर हियर। पीटीआई वाला ही हो गया, पीटीआई तो किनियां उम्मीदें लाइया सन पर किथों। लेकिन आज 12,000 मिल जाएगा, सेनेटर नून लीग दे ने। हाय आई लव नवाज शरीफ साहब। मैं तो दीवाना ही नवाज शरीफ साहब। अच्छा। मैं कहना ऐसी शख्सियत दुनिया ते घट ही आंदी है। अच्छा। ऐसे ते रोज वेखी दे ने। यस आई लव दिस गाय, पर छोटे जे है ने, कि मैं सेनेटर बने ने। ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ, ओ वोटां पा के ते मियां साहब नु वापस बुलाओ, मियां दे नारे वजे ने वजे ने पाओ मियां दे नारे बजे ने बजे ने दोबारा रंग सजने सजने जी। थोड़ा जा टाइम रह गया, सारे नवे नवे है, पहले उन्होंने इकट्ठे ते कर लेंदे हो। अरे नहीं मेरे ख्याल उन्होंने दे ज़हन च नहीं गल आई। कोई गल नहीं, अल्लाह वार से जिंदगी। मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद, शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद, हमजा शहबाज, मरियम नवाज साहबा, अल्लाह तुहाडे ते मुकदमे खत्म करे। आमीन। हुण भी नहीं ज़हन च आएगी। Ready one, two, three, four. Jai 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 Jai
की नौकरी और कैल्शियम की कमी एक ही चीज का नाम यार दूध जलेबी इंजॉय नहीं करन देंदे। अच्छा आ मैं दूध जलेबी पाई ये मोबाइल कड़े थे 8 मिस कॉल। ओए किसकी? सर मेरे कैप्टन दिया। वो कौन? बुजदार साहब दिया। अच्छा 8 मिस कॉल कभी जिंदगी च नहीं हुई। हां फटाफट मैं कॉल की, मैं कहा सर खैर ते है? मैनू कहंदे ने फोन बंद कर ते मेरे को ला। ओए होए फौरन ओए होए डाला वर्कशॉप ते ते मैं मिल्क शॉप ते। ओ मिल्क शॉप वाले ने क्या अपना मोटरसाइकिल दे एडा हैवी मोटरसाइकिल के तो मारिए स्प्रिंग टायर सी छाते च वजा जी सर। ओ फिर किसी लिफ्ट लेके ते सीएम हाउस गया। ठीक है कल्ले खामोश ऐं बैठे। ओए होए मैंने कहा ना दरवाजे खिड़कियां बंद कर। ओए होए सारीयां खिड़कियां बंद कीतियां सारे दरवाजे बंद कीते हालांकि हर पासे खामोशी है। फिर भी मेरे करीब आके मैंने कहा ने ये हम ख्याल ग्रुप का क्या मतलब होता है? ओए मैं कहा सर जी इनका एक ख्याल होवे। अच्छा कहंदे ने ते फिर की बनेगा इनका ते एक ख्याल हो गया। हां मेरा की बनेगा? हां मैं कहा सर तुसी फारग हो। मैंने कहंदे ने है वो एक ही कह रहे हैं। मैं कहा सर जी ये बिल्कुल सही गल है ये वो हम ख्याल ग्रुप मिल गए ने हालात खराब ने। अच्छा कहंदे ने दा मतलब है कि मेरी मुखबरी सही है? हां मैं कहा सर डरो ना इमरान खान साहब ने उनको इंडिया दे दिया है। के कहंदे ने इंडिया उनको क्यों दे दिया है? दे दिया। मैं कह सर अंदिया होता है दा मतलब होता है कि आपकी बात सुनी जाएगी। अच्छा ते कहंदे ने जे फिर भी मामला ना तय हुए थे। हाँ। ते मैं कह फिर हम ख्याल ग्रुप जिन ने इत्बार करेगा ओ वजीर आला होएगा। अच्छा ते कहंदे ने मेनू हम ख्याल ग्रुप पे चला जाना चाहिए। ओ मैं कह अल्लाह दे बंदियो ना करो इस तरह एडी छेती नहीं करी दी हुंदी ए ते बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप बने बिल आखिर फेल हो जांदे ने। हाँ। ते मैं क्या सी जल्दी करके इमरान खान साहब दी नजरां च ना डिग पईए। कहंदे ने निर्गोली कमाल बंदा हैगा तू एसओपीज दी खिलाफ वर्जी करदे होए मेरे बिल्कुल करीब आ गए ने। आके हल्का जा आंख दे विच उहनां दे आंसू आए ऐ रोंदे अंदाज च मैनूं कहंदे ने निर्गोली अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? हाँ। मैं कहां होता? हाँ। मैं कह सर तौसा शरीफ मैंने कहा मैंने दवा चल रही है नजरों के सामने। बिल्कुल सही कहा यार एडा गुस्से नाल मैंने कहा ने बनता भी हालांकि मैं तो बड़ी तरतीब नाल उन्होंने समझाया। हाँ। भाई हालात इट हैज बिन नॉट फीलिंग वेल। यस ओ मेरे भतीजे। अच्छा मेरे भतीजे ने? अच्छा जी सर मैं इन्होंने वालद साहब के नाल बड़ी ड्यूटी की बड़ा काम किया भाई एडे शफीक इंसान कभी मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा हाँ मैंने हमेशा कहते ने भाई जान विरासन मेरे अरे वाह ते माशाल्लाह अगू बेटा भी ऐसा कमाल पाली सी अपना ऑक्सफोर्ड करदे सन ते पीएचडी कीती। ऑक्सफोर्ड करदे सन नहीं ऑक्सफोर्ड पढ़दे सन। अफोर्ड करदे सन ते पढ़े अफोर्ड नहीं ऑक्सफोर्ड। माशाल्लाह दी सोहनी किताब लिखी ने फास्ट फॉरवर्ड द वे फॉरवर्ड। मैं कहना सर इस उम्र दे विच एडा ज़हीन आदमी कित्थों कित्थों पाकिस्तान चो ए थोड़े सामने पाकिस्तान दे विच बड़ा बड़ा ज़हीन आदमी बैठा है। हाँ। लेकिन तोड़े कोल क्यों नहीं बैठा? नहीं हमारे पास ही बैठी हुई है। माच ओ कौन ने बोला? फातिमा। यस मॉडल। यस आई नो दिस लेडीज। ओ माय गॉड। यस शो बिज़नेस दे विच हालात खराब ने। हाँ। वरना ऐसले किथे होंदे? किथे होंदे? एथे ही बड़ा बड़ा शो हैगा तुहाडा। सर कैन आई हैव ए वन फोटो प्लीज? भाई मेरे बिल दी बड़ी तमन्ना सी कि किधरे तुसी अचानक मिल जाओ। पाकिस्तान दी तमाम सेनेटरां दे विचों यंग ने। हां हाले उम्र भी नहीं शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने और अपने सीनियर तो तंग भी ने बजा क्योंकि जे नहीं ना पता नहीं ना सब जान दें सर उस फैमिली दे विच पैदा होने बचपन तो ट्रेनिंग है माशाल्लाह। नाश्ते दे विच पाली सी मिलदी सी चाय और पाली सी डबो कर खाने वाले माशाल्लाह। ए सर जी तुहाड़ी तस्वीर मैंने मिल गई है ए मैं वड्डी करा के ते नैब नु भेज दियां। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। फातिमा आधी रात का वक्त है आप शदीद बोर हो रही हैं फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद अली शाह साहब और उस्मान बुज़दार साहब। मैं दोनों को नहीं जानती। ठीक है तो बुज़दार टाइप नाम सुना मैं तो उस्मान बुज़दार टाइप नाम सुना हुआ आपने। वैसे क्या कोई वो भी पॉलिटिशियन ही होंगे? कोई पॉलिटिशियन ही होंगे। आप लाहौर में रहती हैं? ठीक है ये बताइए मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है रोज सुबह आप उठेंगे आपकी नजर उस
जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान का, इनका भी आपको आइडिया तो नहीं होगा, बुजदार साहब का, इन तो चौहान साहब ठीक है बनता भी है। ये बताएं, एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं आप, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को आप कर्टसी में स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ? सेल्फी जो है वो मैं फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा के साथ, वाह वाह, सेल्फी होगी। स्माइल किनको दे रही हैं? अली जफर। और किसको कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया? फवाद। फवाद खान साहब आपका फ्लोर आ गया हुआ है। टाइटैनिक पर आप जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं आपके पास, एक आपका अपना है, दूसरे पे आप किसी और को लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब शाह महमूद कुरैशी। आमिर लियाकत साहब को ले जाऊंगी, थोड़ा एंटरटेन कर देंगे, वो आजकल काफी एंटरटेन करते हैं। ठीक है, ये बताइए, डूबती कश्ती में आप सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर अफनान और कैसर पिया साहब। पॉलिटिक्स है दोनों? जी दोनों पॉलिटिक्स। खुद ही बच जाएंगे। आप किसको देंगी, डॉक्टर अफनान या कैसर पिया? डॉक्टर अफगान। कोई खास वजह? क्योंकि डॉक्टर है तो उनका बचना जरूरी है, दुनिया को बचाएंगे। आपकी डॉक्टर अफनान से कोई वाकफियत हुई? मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती। कैसर पिया को भी मिल, कैसर पिया को भी आप बिल्कुल नहीं जानती, उनको तो जानते ही नहीं है कैसर पिया, ठीक है? और डॉक्टर अफनान से भी आपकी कोई जान पहचान नहीं है, ठीक है? बेहतरीन हो गया। डॉक्टर अफनान साहब आपसे हम स्टार्ट करते हैं, ये बताइए, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का, ये डॉक्टर अफनान जी, ओके, इनके घर वालों ने इनका यही नाम रखा था। अच्छा, तो मैंने जिनको बचाया था वो ये? हाँ, और जिनका बेड़ा गर्क किया वो ये है। जी तो डॉक्टर साहब, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को कर रहे हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर आमिर लियाकत और शहजाद अकबर। जनरल नॉलेज। मुझे लगता है पाकिस्तान की तारीख में सबसे छोटी मुद्दत मुलाजमत बतौर सदर पाकिस्तान किन की है? आप वापस आ सकते हैं अपने सवाल पे, ओरिजिनल पे चलते हैं। तो किसको कर रहे हैं वो कॉल? शहजाद अकबर को कर लेते हैं। शहजाद अकबर को कर लेते हैं, ठीक है। ये बताइए सर, चांद पर जाने के लिए स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, दो सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। अच्छा ठीक है, तो किसको चांद पर छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब तलाल चौधरी। तलाल चौधरी को मैं इसलिए छोड़ना चाहूंगा क्योंकि गपशप लगाते हुए जाएंगे जरा, अच्छा वो और फिर वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, वापसी एंटरटेनमेंट थोड़ी अच्छी हो जाएगी, एंटरटेनमेंट एक तरफ कम से कम अच्छी होगी। तलाल चौधरी साहब, आप मजीक बताइए, सब आजकल चांद पे उन्हीं को छोड़े नून लीग। मुझे बताइए अफनान, यू हैव टू पिक थ्री नेम्स फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अगर कभी जरूरत पड़ती तो आप कहते हैं कि ये अगर नून लीग में भी होते तो कोई बुरा ना था। अली मोहम्मद, अली मोहम्मद खान, अहमद जवाद, अहमद जवाद, ये जो पब्बी साहब है, ऑन पब्बी, ऑन पब्बी, ठीक है। ये बताइए सर, आप भी लिफ्ट में एंटर हुए हैं, तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को कर्टसी में स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राणा सनाउल्ला, जनाब साद रफीक और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी। तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है? शाहिद साहब से। शाहिद खाकान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर। स्माइल किनको दे रहे हैं? राणा साहब को मैं दे दूंगा, स्माइल दे देंगे, उनसे थोड़ा पुराना मेरा ताल्लुक है। ठीक है, उनसे पुराना ताल्लुक है। और फैज साद रफीक इस दौरान जिन्होंने कहा जाएगा फिलहाल फ्लोर आ गया। फैज साहब से भी बहुत अच्छा ताल्लुक है लेकिन अब क्या, लेकिन अब क्या करूं, फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है सर, टाइटैनिक पर आप भी, दो वीआईपी पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा डॉक्टर शीरी मजारी और महविश हयात। महविश को ही लेके जाऊंगा इसमें। ठीक है, महविश हयात को ही लेके जाऊंगा। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? जनाब नवाज शरीफ या फिर शहबाज शरीफ? सर ये क्या आप सवाल दोबारा जनरल नॉलेज दोबारा जनरल नॉलेज पे ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है, दुनिया में इस वक्त टोटल कितने मुल्क हैं? 204। नो, लेसर। 3। नहीं, 190 के करीब। सॉरी, अब गेस वर्क में मैं अगले सवाल पे अगर आप कहते हो चला जाऊंगा। अगले पे चले जाए फिर। अगले पे चला जाऊं? जाए जाए जाए। सर ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस डेट और साल को बनी? 1997 में बनी थी। अब डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, 1997 बनी थी, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा, ये आपको याद हो गया? हाँ जी। ठीक है, चले मान लेता हूँ मैं आपको, यहाँ तक तो मानता हूँ। सर ये बताएं, मियाँ साहब की बनाई हुई मोटरवे पे जा रहे हैं और आप बाइक के ऊपर हैं और देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद चौधरी और
जनाब मुराद सईद। फवाद चौधरी को दे दूंगा। फवाद चौधरी को ही दे देंगे, ठीक। डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर।